हेलो गाइस, मैं मोना सिंह। जैसे कि आप जानते हैं मेरे चैनल का नाम मटमैल बातें। हेलो गाइस, मैं मोना सिंह। जैसे कि आप जानते हैं मेरे चैनल का नाम है हमारी तुम्हारी बातें। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक प्रोडक्ट जो बहुत बढ़िया है, मतलब वायरल बहुत हो रहा है, दिखा भी बहुत रहे हैं। एक बार को मैंने सोचा यार इसको ऑर्डर करूँ। मैं ऑर्डर जैसे ही करने लगी मैंने उसके रिव्यू पढ़े, तो दो तो बहुत अच्छे थे लेकिन एक बहुत ख़राब था। मैंने सोचा करूँ ऑर्डर नहीं करूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कर ही लूँ क्योंकि वो ज़्यादा रेंज का नहीं है, बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में है। तो यह है वो ऑर्डर जो मैंने मंगाया है और मैं ये दिखाती हूँ आपको ये किस तरह के हैं। तो ये मुझे बहुत पसंद आए थे किचन के लिए, क्योंकि किचन हमारी डब्बों से भरी रहती है। तो देखिए ये है वो प्रोडक्ट, हालांकि है तो हल्का ही लेकिन मुझे अच्छे लगे। आपको कैसे लगेंगे तो बताइएगा, तो मैं इसमें दाल करके दिखाती हूँ। ये दाल के लिए है, देखिए इस तरह से। यहाँ ना मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से इसको डब उसमें डाल, पॉली बैग में जो मैंने मंगाए थे, क्योंकि कभी मैं ये काट रही थी कभी वो काट रही थी, मतलब एक वो होता है ना सिस्टमेटिक ढंग, वो नहीं हो पा रहा था मुझसे। मैं कोशिश कर रही थी चलो भाई ऐसे ही डल जाए शायद ये दाल, लेकिन भाई ये बहुत मुश्किल था क्योंकि इसके लिए मुझे चाहिए थी एक छोटी बोतल जिसका मुँह जो था वो इस बोतल से छोटा हो और आराम से इसमें दाल जा सके। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कैसे करूँ, तो फिर मैंने आपको सीधा डाल के बताया कि भाई ये इस तरह से डल जाएगी दाल। देखिए और ये दाल के लिए आप तो अच्छा लगा है मुझे, मॉइस्चर वगैरह नहीं आएंगे। करिएगा एक प्यारा सा कमेंट अगर आपको अच्छा लगे, और करिएगा लाइक और शेयर। थैंक यू। तो यहाँ पर मैं आपके लिए बना रही हूँ दोबारा से ये वीडियो अच्छे से कि किस तरह से हम दाल को इसमें डाल सकते हैं, यानी कि रख सकते हैं। तो देखिए मैंने बोतल का एक छोटी सी बोतल जो थी पानी वाली मेरी कोक वाली रुपए वाली, उसमें मैंने बोतल करी और कटिंग करके फिर इस तरह से लगा के फिर चंपा को बोला, मैंने कहा चंपा जरा इसको पकड़ो आप, और पकड़ के तब मैंने इसको इसमें अच्छे से डाला। तो देखिए अब कितनी स्मूथ हो जाएगी ये चीज़, बहुत अच्छी। तो वही है ना कि कभी कभी समझ में नहीं आता कैसे करें, लेकिन ये वाला तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा है। पहले वाला तरीका मेरा बहुत गंदा था, बट ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन भाई ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। देखिए अच्छा है, आप कुछ भी जैसे हम खोल के सामान रख देते हैं तो बिखर जाता है, तो सामान नहीं बिखरेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ करिएगा लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और प्लीज़ अब तक अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और करिए लाइक कमेंट सकते हैं हम और ऐसे सामान रखते रहते हैं। अगर आपको ये अच्छे लगे तो आप इनको खरीद सकते हैं, सामान बस इससे यही एक रीजनेबल प्राइस और रसोई में जगह भी मिलेगी आपको एक उसमें, जैसे कि हमारी रसोई छोटी भी होती है वैसे इतना सामान उससे जगह भी बहुत कम मिलेगी, इसके लिए भी ये बेहतर ऑप्शन लगा है। थैंक यू।